रविवार को देश भर में सपाइयों द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। इसी कड़ी में गोरखपुर के बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपाइयों द्वारा अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सपाइयों ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाइयां दी। इस दौरान सपाइयों ने अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, सांसद प्रवीण निषाद, जवाहरलाल मौर्य, डॉक्टर राजेश यादव, सुरेंद्र यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव और सांसद प्रवीण निषाद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए आगामी 2019 के चुनाव में बहुमत हासिल करने की बात कही। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी का 46वां जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी में बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है। हम लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा हर्षित हैं कि आज़ादी के बाद आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इतना विकास का कार्य नहीं किया, चाहे वह 18,000 लैपटॉप मांगने का छात्रों को बात हो, चाहे वह किसानों को मुफ्त पानी देने का बात हो और उनके मुआवजे की बात हो, चाहे वह नौकरियां देने की बात हो, चाहे वह मेट्रो बनाने की बात हो, आईटी सिटी बनाने की बात हो, एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो बनाने की, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो, लगातार हर क्षेत्रों में हर धर्मों हर वर्गों का विकास करने का काम किया और वीकर सेक्शन के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने जो समाजवादी पेंशन दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाने का काम किया था, ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हम लोग आज जन्मदिन हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अस्पताल में हम लोग मरीजों के बीच जा कर के फल वितरण का काम किए हैं और यहाँ आकर के केक कटा है, लड्डू मट रहा है, सारे लोग खुशी से झूम रहे हैं। हम लोग ईश्वर से ये कामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आगामी समय में उनको इतना अधिक मजबूत कीजिए, उनको इतना दीर्घायु कीजिए कि वो राजनैतिक रूप से और उनका उम्र इतनी बढ़े कि वो सतायु हों और यहाँ उत्तर प्रदेश के गरीबों के कल्याण अधिक दिन तक कर सकें, इसकी कामना हम लोग कर रहे हैं। 2019 में हम लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि गोरखपुर, फूलपुर और कैराना नूरपुर को जीतने के बाद हम लोगों को ये लग रहा है कि जनता समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव में विश्वास रख रही है और हम 80 की 80 सीटें जीतने की हैसियत में जा रहे हैं। हमारा गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी, निषाद पार्टी, पीस पार्टी से हुआ है, हम लोग 80 की 80 सीटों पर अब की बार जीत हासिल करेंगे। यहाँ किसी दूसरे पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आज गोरखपुर की धरती पर जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के 46वें जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय पर हम लोग बड़ी धूमधाम से उनके जन्मदिन की मना रहे हैं और उनके दीर्घायु की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में फिर से एक बार फिर से इस उत्तर प्रदेश की कमान, आज के दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा विकास का काम आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में हुआ था, उनके कार्यकाल में फिर से हम लोग लाने का प्रयास करें और उनके दीर्घायु की कामना करते हुए जो भी समाज के पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के विकास का काम जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ, उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए फिर से हम लोग एक बार फिर सामाजिक परिवर्तन की ओर दृढ़ संकल्पित हैं।